जब तक आप अपना आहार विहार और व्यवहार चेंज नहीं करेंगे, आप रोगों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको आपके जीवन में आहार विहार के अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर अहमदाबाद गुजरात। आज मैं आपको बहुत ही सरल बात बताने जा रही हूँ डाइट को लेकर, आहार और विहार की इम्पोर्टेंस को लेकर। समझ लीजिए कि आपको बीपी है या आपको डायबिटीज है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप ज्यादा नमक खा रहे हैं या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, तो क्या वो दवाई का असर होगा? क्या आपका बीपी कंट्रोल रहेगा? तो आप जरा सोचिए कि डाइट में छोटी सी गलती करने से आपकी वो दवाई फेल हो जाती है, आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, तो अगर आप उसी डाइट को हेल्दी कर लेंगे, उस डाइट को आपके रोग के अकॉर्डिंग लेंगे, तो क्या वो रोग ठीक नहीं हो जाएगा? हो जाता है। आजकल लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से, डाइट खराब होने की वजह से बहुत सारे रोग हो रहे हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट रिवर्स कर देंगे तो ऐसे भी आपका रोग काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको कोई रोग हो जाता है तो आप दवाइयों की तरफ ना जाकर पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने डाइट को चेंज करें। हो सकता है कि वहीं से आपका रोग रिवर्स होना शुरू हो जाए, आपको कभी दवाइयां लेनी ही ना पड़े। लेकिन अगर आप दवाइयां स्टार्ट कर भी चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी से ही अगर आप अपना डाइट चेंज कर लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, किसी अच्छे नेचुरोपैथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप अपने लाइफ में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स या डाइट, इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो आपके रोग को धीरे धीरे रिवर्स हो कर सकते हैं आप। ये तो हुई डाइट की बात, आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि आप सोचिए कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं रखते, रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सोते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, समय पर अपना डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो क्या वो दवाइयां फायदा करती है? नहीं करती है। आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते अगर आप अपने डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं रखते हैं तो नेचुरोपैथी और योग को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना दीजिए। नेचरा योग, नेचरा योग का मतलब ही है नेचुरोपैथी और योग। नेचुरोपैथी में डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स है जो आप घर पर भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, जो आप घर पर भी कर सकते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर में आकर सीख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर है या आप किसी अच्छे नेचुरोपैथी डॉक्टर को जानते हैं तो उनकी एडवाइस के अनुसार अपने रोग को धीरे धीरे रिवर्स करें। अगर आप हमारे नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर में अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाकर हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपना अपॉइंटमेंट अभी बुक करवाइए। जैसे ही आपका आहार विहार बदलता है, आपका व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर अपने आप ही चेंज हो जाता है, आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलस आना, ईर्ष्या करना, जलन होना भी धीरे धीरे घटने लगती है। आपको नई स्फूर्ति का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है, आपको नए जीवन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब तक आप इन चीजों को करेंगे नहीं, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि सच में ये चीजें कितना ज्यादा काम करती है। आप डाइट को चेंज करके तो देखें, आप अपने लाइफस्टाइल को बदल कर तो देखें, हो सकता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। पर करना पड़ेगा, आप करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो अभी अपने लाइफ को प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मोड़िए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने आहार को चेंज करिए और खुद को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार।